फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर मिस्टर सिंह में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा, जो हम AWS के अंदर EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हैं। तो जब भी कोई भी EC2 इंस्टेंस आप लॉन्च करते हो तो आप एक की पेयर क्रिएट करते हो उस EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करने के लिए। बट अगर हमसे वो की पेयर डिलीट हो जाता है बाय मिस्टेक, या फिर हमसे वो लॉस्ट हो जाता है, मिस हो गया कहीं पर रखा हमने और हमें याद नहीं है, तो उस केस में आप उस EC2 इंस्टेंस को एक्सेस कैसे कर सकते हो। आज की वीडियो का ये टॉपिक है कि हम की पेयर को कैसे रिकवर कर सकते हैं अगर हमसे वो डिलीट हो गया या मिस हो गया है, तो उस EC2 इंस्टेंस को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने AWS कंसोल पर। मैंने ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास अभी कोई EC2 इंस्टेंस नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, दो EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर लेता हूँ डिफरेंट की पेयर के साथ। यहाँ पे मैं फ्री टियर ले लेता हूँ, लिनक्स सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैं डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन रखूंगा, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं कर रहा। T2 माइक्रो इनेबल है हमारा, सारी सेटिंग सेम है, डिफॉल्ट रखने में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज आप डिफॉल्ट भी छोड़ सकते हो। इसको हम लॉन्च कर देते हैं, क्रिएट न्यू पेयर की पेयर करते हैं, डेमो फॉर की पेयर, ठीक है। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और हम इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं, लॉन्च कर लेते हैं EC2 इंस्टेंस को। अब जब तक ये EC2 इंस्टेंस हमारा क्रिएट होता है, हम एक और EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर लेते हैं। उससे पहले मैं चेक कर लेता हूँ मैंने किस जोन के अंदर ये लॉन्च किया। 2B के अंदर लॉन्च हुई मेरी, तो सेम जोन के अंदर मुझे दूसरी EC2 इंस्टेंस लॉन्च करनी पड़ेगी। सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन T2 माइक्रो ले रहे हैं और यहाँ पे आप जोन चेंज कर दीजिए। यहाँ पे मैं 2B ही लूंगा क्योंकि हमने 2B ही 2B के अंदर ही हमारी पहले EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो रखी है। नेक्स्ट करते हैं हम इसको, नेक्स्ट रिव्यू लॉन्च। यहाँ पे हम की पेयर क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे डालते हैं रिकवरी की पेयर। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, सेव करते हैं और इसको भी हम लॉन्च कर देते हैं। तो EC2 इंस्टेंस के अंदर आते हैं वापस एक बार। अब यहाँ पे चेक करते हैं हमारी दो की पेयर, दो EC2 इंस्टेंस हैं। फर्स्ट वाले का नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ विदाउट की पेयर, सेकंड वाले का नाम रखता हूँ मैं रिकवरी की पेयर रख दो या फिर विदाउट विद की रख दो, रिकवरी की पेयर, ठीक है। अब थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, दोनों EC2 इंस्टेंस को हम रन होने देते हैं, क्रिएट होने देते हैं। जब रन हो जाए, क्रिएट हो जाएंगे सक्सेसफुली, तब हम इसको नेक्स्ट स्टेप पे स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मेरे दोनों EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो गए, रेडी हो गए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप होगा मेरा जो मेरा विदाउट की पेयर वाली EC2 इंस्टेंस है, इसकी की क्या है मैं वो चेक कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो डेमो फॉर की पेयर के नाम से की पेयर है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने डेस्कटॉप पे जाता हूँ जहाँ पे मैंने की पेयर को सेव किया है, और जो डेमो फॉर की पेयर के नाम से की है मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मैंने इसको डिलीट तो कर दिया, बट मैं इसको एक्सेस कैसे करूँगा अब इसकी की मेरे पास, मतलब मैंने गलती से डिलीट कर दिया, मैंने जानबूझ के डिलीट किया या मेरे से मिस हो गया, ठीक है। बट अगर मेरे से गलती से डिलीट हो गया तो मुझे इस वाले EC2 इंस्टेंस को एक्सेस कैसे करना है। इस वाले EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करने के लिए मुझे की पेयर चाहिए। अब की पेयर मैं कहाँ से क्रिएट करूँ, कहाँ से लेके आऊँ, दोबारा क्रिएट करने का ऑप्शन देता नहीं है आपको। तो उस केस में हम अपने EC2 इंस्टेंस को की पेयर को एक्सेस EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करने के लिए की पेयर को हम कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस EC2 इंस्टेंस को स्टॉप कर देते हैं। Yes. और मैं इसकी कुछ डिटेल नोट कर लेता हूँ, इसकी इंस्टेंस आईडी नोट कर लेता हूँ मैं नोटपैड में, नोट कर लेते हैं हम इंस्टेंस आईडी। और इसकी एक चीज और मुझे नोट करनी है, वो है हमारा रूट वॉल्यूम टाइप। रूट वॉल्यूम टाइप क्या है इसका, /DVA/XVDA, ठीक है। तो मैं इसको भी यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करते हैं यहाँ पे root volume type,
इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। अब क्या करना है हमें, जो हमारे ये वाले की पेयर है, जो हमारी ये रिकवरी की इंस्टेंस है, जो हमें इसको हमें पब्लिक आईपी के थ्रू में एक्सेस करना है, तो इसको एक्सेस कर लेते हैं पब्लिक आईपी के थ्रू पुट्टी में। अब इसको एक्सेस करने से पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे इसकी पब्लिक की को प्राइवेट की में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो मैं कर लेता हूँ पर जल्दी से। पुट्टी चेन के थ्रू करते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कैसे करते हैं, आप कर सकते हो। इसको मैं प्राइवेट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ओपन करते हैं, और इसको हम क्लोज कर देते हैं। दोबारा हम पुट्टी के थ्रू में इसको एक्सेस करेंगे। मैं यहाँ पे पब्लिक आईपी डालता हूँ, एसएसएच के अंदर जाते हैं, पोर्ट में जाते हैं, यहाँ पे मैं ब्राउज करता हूँ और डेस्कटॉप पे, सॉरी वो हमारा रिकवर हुआ नहीं, कन्वर्ट नहीं हुआ, उसको दोबारा से कन्वर्ट कर लेता हूँ पुट्टी चेन के थ्रू। लोड करते हैं यहाँ पे, ओपन, ओके, इसको हम सेव प्राइवेट की करते हैं, यस, प्राइवेट की सेव, इसको बंद कर देता हूँ मैं। अब प्राइवेट की को हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे, इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद जैसे हम इसको ऑथेंटिकेशन के लिए बोलेंगे यस करते हैं, तो ये हमसे यूजर नेम पूछेगा, तो मैं इसका थोड़ा फॉन्ट चेंज कर देता हूँ ताकि आपको देखने में कोई परेशानी ना हो। अपीयरेंस चेंज एंड फॉन्ट साइज इज बोल्ड 20, ओके एंड अप्लाई। तो अभी आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम यूजर नेम डालते हैं EC2 यूजर। आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट लिनक्स वर्चुअल मशीन जो हमारे EC2 इंस्टेंस होते हैं AWS के अंदर, उनका EC2 यूजर नेम होता है बाय डिफॉल्ट। मैं एंटर करता हूँ, एंटर करने के बाद ये क्या करेगा, पासवर्ड ऑटोमेटिक हमारी की पेयर से पिक कर लेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रूट यूजर के अंदर चला जाता हूँ, sudo su, इसको मैं विंडो को क्लियर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे हमारा जो सेकंड वाला डिस्क EC2 इंस्टेंस है जिसका हमें हमने स्टॉप किया जिसे, उसको हमें यहाँ पे एक्सेस करना होगा। उसको हमें जो हमारा ये स्टॉप वाला EC2 इंस्टेंस है, जो इसका वॉल्यूम है हमारा रूट वॉल्यूम, इस वॉल्यूम को हमें हमारे रनिंग सर्वर के साथ अटैच करना है, जो हमारा रिकवरी की वाला सर्वर है जिससे हमें की रिकवर कर रहे हैं, इस वाले की एक्सेस करवाना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, मैं पहले क्या करता हूँ, एक बार आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कमांड्स दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे DF-H करता हूँ, तो यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, अभी जो ये दिखा रहा है आप नोट कर लीजिए, नोटपैड में नोट कर लीजिए। अभी यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा अलग से वो नहीं है, तो मैं आपको जो वॉल्यूम हम वहाँ पे डिटैच करेंगे और हमारे EC2 इंस्टेंस के साथ अटैच करेंगे, तो उसको हम यहाँ पे एक डायरेक्टरी के साथ माउंट करवाएंगे, ठीक है। दूसरा LSBL के करोगे तो आप यहाँ पे आपको डिस्क दिखा देगा आपके पास कितने डिस्क अभी अटैच्ड हैं। तो मेरे पास अभी एक 8GB का डिस्क अटैच्ड है इस सर्वर के साथ, ठीक है। तो उसके लिए उसके बाद क्या करना है मुझे, मैं अपने AWS कंसोल पे जाऊँगा, जो सर्वर की हमने की मिस कर दी है, की पेयर मिस हो गया हमसे, जो मैंने स्टॉप कर रखा है अभी, उसके मैं रूट डिवाइस वॉल्यूम में जाऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे डिवाइस वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे EBS वॉल्यूम आईडी पे मैं क्लिक करूँगा, इसको मैं एक नई टैब में ओपन करता हूँ। नई टैब में ओपन करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे इस वॉल्यूम को मेरे करंट सर्वर से डिटैच करना है। तो डिटैच करने के लिए क्या करना है, आपको एक्शन में जाएंगे, डिटैच वॉल्यूम करेंगे, यस। तो जैसे आपका यहाँ से ये डिटैच हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे ये अवेलेबल का ऑप्शन आ जाएगा, अभी ये इन यूज दिखा रहा है। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे अभी ये आपको अवेलेबल आ गया, तो मतलब हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका स्टेप क्या रहेगा, आप यहाँ से इसको हटा दीजिए, और हमारे जो सर्वर हमारा रिकवरी की वाला सर्वर है जो रनिंग है, जो इसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं, उस सर्वर पे जाऊँगा मैं, उसकी इंस्टेंस आईडी कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और जो हमारा वॉल्यूम हमने वहाँ से डिटैच किया वो हम इस सर्वर के साथ अटैच कर देंगे। तो उसके लिए एक्शन, अटैच वॉल्यूम, यहाँ पे हम इंस्टेंस आईडी डालते हैं, ओके। और यहाँ पे कोई भी फॉर्मेट ले सकते हो, ऐसा कोई मैट आपको डिपेंड नहीं करता कि आपको यही फॉर्मेट रखना है या आपको चेंज करना है, यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि हम इसको एज ए सेकेंडरी वॉल्यूम यूज करेंगे, प्राइमरी वॉल्यूम हमारा रूट वॉल्यूम ऑलरेडी रनिंग स्टेट में है। तो मैं इसको अटैच करता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे इसको अटैच करूँगा, तो यहाँ पे ये देखिए इन यूज के अंदर आ जाएगा आपका, और इन यूज में आने के बाद आप अगर सर्वर पे जाते हो दोबारा से, और यहाँ पे मैं दोबारा से LSBL की कमांड रन करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे एक और डिस्क शो करेगा 8GB का, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो आपका एक और 8GB का रूट डिस्क आ गया, मतलब डिस्क शो कर रहा है आपके सर्वर में। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। तो इसके बाद आपको जो स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, आपको क्या करना है, इस सर्वर को जो हमने ये हमारा यहाँ पे ये
डिस्क हमने इसके अटैच किया है उसको हमें सर्वर के ऊपर माउंट करवाना है। तो माउंट करवाने के लिए क्या करेंगे, माउंट करवाने के लिए पहले कमांड रन करना ही होगी आपको, एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि हम उस डायरेक्टरी के साथ उस सर्वर को माउंट कर सकें। अब डायरेक्टरी आप किस नाम से क्रिएट करना चाहते हो वो आप पे डिपेंड है, आप कोई भी नाम रख सकते हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कैसे आपको कैसे करनी है। मैं यहाँ पे अपना नाम रखूंगा रिकवरी डिस्क के नाम से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ अपने वार फाइल सिस्टम के अंदर पहले। तो कैसे करते हैं, mkdir स्पेस माइनस पी, और कहाँ पे क्रिएट करनी है आपको वार, किस नाम से क्रिएट करनी है, रिकवरी डिस्क, recovery डिस्क, और मैं इसको एंटर कर दूंगा तो मेरी ये रिकवरी डिस्क क्रिएट हो गई है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको माउंट करवाना है मेरे इस सर्वर के ऊपर। माउंट करवाने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे मेक माउंट करवाने के लिए हमें क्या करना है, mount स्पेस माइनस ओ नो UUID, नो UUID का मतलब क्या है, यहाँ पे हम इसको टेम्परेरी माउंट कर रहे हैं, परमानेंट माउंट नहीं कर रहे। परमानेंट माउंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको आपकी fstep फाइल के अंदर एंट्री करनी होगी। fstep फाइल etc4 के अंदर होती है /etc में, तो वहाँ पे आपको इसकी परमानेंट के लिए एंट्री करनी होगी। बट मैं भी इसको टेम्परेरी माउंट कर रहा हूँ। अगर आप इसको नो UUID करके दोबारा माउंट करने की कोशिश करते हो तो आपको ये एरर भी देगा, मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ठीक है। किसको माउंट करना है आपको, /dev/ क्या फॉर्मेट आपका डिस्क का नाम क्या है, किस फाइल सिस्टम के साथ माउंट करना है आपको, किस मतलब जो हमने डायरेक्टरी बना रखी है। यहाँ पे हम डालते हैं रिकवरी डिस्क, एंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इसने एरर दे दिया कि वार रिकवरी डिस्क, जो हमारा डायरेक्टरी हमने क्रिएट कर रखा है उसकी एंट्री नहीं है हमारी fstep फाइल के अंदर। अगर मैं यहाँ पे ओके बाद यहाँ पे UUID डाल देता हूँ, नो UUID, तो आपसे ये एरर नहीं देगा आपको। मैं दोबारा से यही कमांड रन करता हूँ और ओके बाद यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ नो UUID। और एंटर करता हूँ तो यहाँ पे मेरी कमांड रन हो जाएगी और ये माउंट हो जाएगा। अब अगर मैं इसको दोबारा से अगर मैं यहाँ पे df-h करता हूँ, df space माइनस h, तो यहाँ पे देखिए आपको आपका जो सेकंड वाला आपका डिस्क है वो आपका वार रिकवरी डिस्क के साथ माउंट हो गया है, ठीक। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा, जो मेरे इस सर्वर की पेयर है, जो हमारी एक्सेस की है, की पेयर है जो हमारे सर्वर को हमने एक्सेस किया है, उस की को हमें कॉपी करना है हमारी रिकवरी वाली डिस्क के अंदर। तो वो कैसे करना है, उसके लिए हमें क्या रन कमांड रन करनी होगी, कैट स्पेस /home/ec2 यूजर /home डायरेक्टरी है उसके अंदर हमारा ec2 यूजर है, ec2 यूजर के अंदर हमारा /.ssh/ किस की को कॉपी करना है, अथोराइज्ड की को, authorized key, अथोराइज्ड की, इस की को हमें कॉपी करना है। कहाँ पे कॉपी करना है, सॉरी, हमारे रिकवरी डिस्क के अंदर। रिकवरी डिस्क का पाथ डालना है हमें यहाँ पे, तो रिकवरी डिस्क कहाँ पे माउंट करवा रखे हमने पहले, वार रिकवरी डिस्क, सॉरी डिस्क स्पेस /home के अंदर /ec2 यूजर /.ssh/authorized key, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, एंटर हिट करना है। अब इसने क्या एरर दिया है अपने, यहाँ पे देखिए home ec2, यहाँ पे देखिए आपका .ssh से पहले स्पेस आ गया, तो ये स्पेस नहीं आना चाहिए यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार दोबारा कमांड रन करता हूँ और इस स्पेस को हटा देता हूँ यहाँ से। सॉरी, यहाँ पे आपका जो यूजर नेम है वो गलत हो गया है, यूजर यहाँ पे चेक कर सकते हो, ऊपर मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार दोबारा सीसी कमांड के अंदर जो मैंने ऊपर रन की थी कमांड, तो यहाँ पे ये यूजर नेम गलत हो गया मेरा, यूजर की स्पेलिंग scr लिख दिया मैंने, यूजर नहीं लिखा पूरा, तो यहाँ पे पूरा यूजर नेम लिखना था, ठीक है। तो इसने एरर में भी देखोगे तो आपको यहाँ पे एरर भी इसने यही दिया है, home ec2 यूजर, यू नहीं है, scr दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए इसने नो सच फाइल और डायरेक्टरी का एरर दे दिया आपको,
ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हम एंटर करते हैं इसको। अब देखिए हमारे यहाँ पे कमांड रन होगी। कमांड रन होने के बाद आपको क्या करना है, आपको इस टेम्पररी जो हमने डिस्क को माउंट किया था उस डिस्क को हम यहाँ से यू माउंट कर देंगे। यू माउंट करने के लिए क्या कमांड रन करने, आपको यू माउंट स्पेस वार स्लैश रिकवरी डिस्क। मैं एंटर करता हूँ। अब दोबारा से मैं अगर इसके अंदर कमांड रन करता हूँ df माइनस एच, तो यहाँ पे आपका जो पहले ये फाइल सिस्टम शो कर रहा था आपको, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा, यहाँ पे आपको ये दिखा रहा था। तो हमने क्या कर दिया, इसको कॉपी करने के बाद माउंट करने के बाद अनमाउंट कर दिया इसको। अब यहाँ पे ये शो नहीं करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, हमें इसको जो हमारा ये वॉल्यूम हमने इसको साथ अटैच किया है, इसको हमें यहाँ से डिटैच करना होगा। तो डिटैच करने के लिए आपको सेम प्रोसेस है, एक्शन में जाएंगे आप, डिटैच वॉल्यूम करेंगे यस, और जैसे आपको वॉल्यूम डिटैच हो जाएगा तो यहाँ पे ये यूज करने के लिए अवेलेबल आ जाएगा। अभी इन यूज ही दिखा रहा है आपको, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अभी देखिए ये आपको इन यूज आ गया है, सॉरी अवेलेबल आ गया, तो मैं मतलब हम इसको यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपके करंट वाले पुराने वाले सर्वर के साथ, जो मेरा की पेयर वाला विदाउट की पेयर वाला सर्वर था जिसकी मेरे पास की नहीं थी, उस सर्वर को मुझे ऑन करना है। ऑन करने से पहले मुझे क्या करना होगा, इस वॉल्यूम को मुझे इसके साथ अटैच करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं इसकी इंस्टेंस आईडी को कॉपी करूंगा, अपने वॉल्यूम्स में जाऊंगा जो मुझे अटैच करना है इसके साथ, एक्शन में जाऊंगा अटैच वॉल्यूम करूंगा, ठीक है। यहाँ पे अब आपको एक ध्यान रखना होगा, जो आपने फॉर्मेट यहाँ पे कॉपी किया था फाइल इसका, वॉल्यूम टाइप रूट वॉल्यूम टाइप आपने नोट किया था, वो ही रूट वॉल्यूम टाइप आपको यहाँ पे डालना है, क्योंकि हमें ये रूट वॉल्यूम क्रिएट करना है। अगर रूट वॉल्यूम हम इसको क्रिएट नहीं करेंगे तो हमारा सर्वर ऑन नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको रूट वॉल्यूम सेम फॉर्मेट टाइप डालते हो जो पहले था आपका, तो वो आपका रूट वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा और आपका सर्वर ऑन हो जाएगा। तो उसके बाद मैं इसको अटैच करता हूँ। अटैच करने के बाद आप क्या करोगे, आपके सर्वर को यहाँ पे जाके एक्शन में स्टार्ट कर दोगे। स्टार्ट करते हैं, यस करते हैं। अभी सर्वर स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये हमारा सर्वर स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे सर्वर रन हो गया जो विदाउट की पेयर था। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इस सर्वर को एक्सेस करना है सेम प्राइवेट की से जो मेरी ये ऊपर वाले सर्वर की प्राइवेट की थी, जिस जो हमने इसके साथ प्राइवेट की थी, क्योंकि इसकी तो की हमारे पास है ही नहीं। बट अभी हमने क्या किया, हमने इसकी की जो हमारी इसकी की पेयर की थी वो हमने इसके सर्वर के रूट वॉल्यूम में हमने कॉपी कर दी है। तो अब हम इस सर्वर को एक्सेस करेंगे इस वाली की के साथ। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका पब्लिक आईपी कॉपी करेंगे, पुट्टी पे जाएंगे, एक न्यू सेशन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, न्यू सेशन, पब्लिक आईपी डालते हैं, एसएसएच के अंदर जाते हैं, और यहाँ पे हम सेम प्राइवेट की सेलेक्ट करेंगे जो हमारे पास सेकंड वाले सर्वर की है, जो हमारे पास सर्वर ऑलरेडी रनिंग में है, ठीक है। प्राइवेट की में डालता हूँ ये, ओपन करते हैं, ओपन कर लेते हैं इसको। ऑथेंटिकेशन के लिए हम यहाँ पे यस करते हैं। इसका मैं फॉन्ट साइज चेंज कर देता हूँ ताकि आप देख सको आराम से। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं यहाँ पे अब इसी टू यूजर डालता हूँ तो यहाँ पे मेरा ये सर्वर लॉगिन हो जाएगा। तो मतलब मेरे यहाँ पे मैं सर्वर को एक्सेस कर पा रहा हूँ, इस सर्वर की पब्लिक जो की पेयर हमने इस सर्वर के ऊपर क्रिएट की थी, इसी सर्वर की पेयर के साथ इस वाले सर्वर को भी मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने इस सर्वर की पेयर को मैंने इस सर्वर के रूट वॉल्यूम के अंदर कॉपी कर दिया था, तो इस वजह से इसकी की इस वाले सर्वर पे काम कर रही है। तो इस तरीके से अगर आपकी कोई की मिस हो जाती है या बाय मिस्टेक आप डिलीट कर देते हो तो आप अब उसकी की को रिकवर कर सकते हो और अपने सर्वर को एक्सेसिबल बना सकते हो यूज करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा था कि आज अगर आपसे पब्लिक की पेयर आपका कोई डिलीट या मिस हो जाता है तो आप उसको कैसे रिकवर कर सकते हो। तो आज के वीडियो का मोटिव मेरा यही था। सो गाइज, आप वीडियोस देखते रहिए, अपना फीडबैक शेयर करते रहिए। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियो क्रिएट करवाना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हो, कमेंट करके आप अपडेट कर सकते हो, तो आपको सबका अपडेट मिलता रहेगा। सो थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।